नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सपने सुहाने NS+24। दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है, यदि आप नवरात्रि में सपने में जलता हुआ दीपक देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। नवरात्र के समय में यदि आपको जलता हुआ दिया दिखाई देता है तो ये सपना आपके लिए कैसा माना जाता है, ये शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। यदि आपको सपने में किसी भी प्रकार से जलता हुआ दीपक दिखाई दे, चाहे वो पूजा का दीपक हो या फिर मंदिर में जलता हुआ दिया देखें या फिर आप खुद ही जलाते हुए देखते हैं दिया, तो ये सपना आपको क्या संकेत देता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में जलता हुआ दिया देखना काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि आप नवरात्र में देखते हैं तो ये काफी अच्छा से तो ये काफी शुभ माना जाता है। नवरात्र के समय में यदि आप जलता हुआ दीपक देखते हैं तो ये सपना आपको संकेत देता है समाज में मान सम्मान प्राप्त होने का और उज्जवल भविष्य होने का संकेत माना जाता है, और साथ ही लंबी आयु और सौभाग्य का संकेत भी होता है। नवरात्र के समय सपने में यदि आप देखते हैं खुद को दिया जलाते हुए, तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है तो वो जल्द ही समाप्त होने वाली है, और आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा सुख समृद्धि से भरा हुआ होगा। और यदि आप नवरात्र के समय में सपने में खुद को दीपक जलाते हुए देखते हैं तो ये काफी अच्छा संकेत माना जाता है। ये संकेत होता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। और यदि आप सपने में देखते हैं मंदिर में जलता हुआ दिया तो ये काफी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है ये सौभाग्य में वृद्धि का संकेत माना जाता है, और साथ ही समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होने का संकेत भी होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।